हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 4 मार्च 2020 को हुआ था। 4 मार्च 2020 का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का एसएससी सीजीएल का, वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। नीचे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, नॉन सीक्वेंस में हैं, डिसऑर्डर में हैं, और हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस में रखना है। नीचे 4 वाक्य हैं, चारों क्या है, नॉन सीक्वेंस हैं। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, ये चारों नॉन सीक्वेंस में हैं, तो उनको सीक्वेंस में रखना है। तो जब भी आप जम्बल सेंटेंस के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपको सबसे पहले कौन सा सेंटेंस ढूंढना हो जिसमें नाउन हो, जिसमें क्या हो, नाउन। ठीक है, जब भी हम जम्बल सेंटेंस वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको चारों में से सबसे पहले नाउन वाला सेंटेंस स्टेटमेंट ढूंढना है। नाउन या तो देयर, या तो सेंटेंस नाउन से चालू हो या देयर से, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमको ढूंढना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ये क्या बनाते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो देखो जैसे लिखा है अपॉन रिटर्निंग, तो अपॉन तो आएगा नहीं, अपॉन तो एक क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं चालू होता। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये लिखा है वेकोम मोहम्मद बसीर, बिल्कुल सही है, ये एक नाउन है, एक ही नहीं, ये एक नाउन है, तो इस वाले स्टेटमेंट से अपने जम्बल सेंटेंस चालू हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना है, बी ऑप्शन, जो 4 सेंटेंस है ना इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, बी, ये तो फिक्स्ड हो गया, क्योंकि ये एक नाउन है, ये एक नाम है कि नहीं, देखो जो लिखा ना वेकोम मोहम्मद बशीर, ये एक नाम है, तो वेकोम मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम, वेकोम मोहम्मद बसीम वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर, ये क्या थे, एक फिक्शन राइटर थे। ठीक है ना, फ्रॉम, अब वो कहाँ से थे, फ्रॉम वेकोम इन केरला, मतलब ये जो ये व्यक्ति थे ना वेकोम मोहम्मद बसीर, इनकी एड्रेस बताई गई कि भैया कि राइटर थे और ये कहाँ से थे, केरला से थे, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी हो गया। अब बी के बाद अपन एनालाइज करते हैं जो नेक्स्ट जो अपने ऑप्शन है, देखो बी हो गया, उसके बाद जैसे ये किया आ सकता है अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, अब वो कहाँ से लौट रहे थे, पहले इंट्रोडक्शन हो रही थी, ये व्यक्ति थे ना वेकोम, ये लौट रहे थे, पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई, अब ये लौट रहे थे कहाँ से, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, अब वो ट्रेवल से लौट रहे थे। ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब वो लौट रहे थे ट्रेवल से अपनी यात्रा से, तो ही वॉज फोर्स्ड टू लिव, मतलब उनसे क्या की गई, ज़बरदस्ती किया गया, मतलब वो ज़बरदस्ती कहाँ रहते थे, लिव इन अ हाउस, ऐसे घर में रहते थे, मतलब वह ज़बरदस्ती उनको ऐसे घर में रहना पड़ता था, वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव, जिसमें क्या थी उनकी लार्ज फैमिली। तो अपना देखो पहले तो ऑप्शन किससे चालू हो गया, बी और ए, ठीक है, बी और ए आएगा, बी और ए का सीक्वेंस बन रहा है। उसका देखो अपार्ट फ्रॉम फैमिली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को डिस्कस किया गया है, तो फैमिली के बाद जो फैमिली के बारे में आगे बात होगी कि नहीं, मतलब वो ऐसे घर में रुके थे जहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली थी। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स के अलावा मैरिड्स, अब मैरिड्स का मीन्स क्या था, बहुत सारे, मैरिड्स का मीन्स क्या था, अलॉट ऑफ, मतलब वेरियस टाइप ऑफ मैरिड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज
देयर ओन, मतलब ये व्यक्ति थे ना इनके फैमिली में और फैमिली के साथ साथ, फैमिली मेम्बर के साथ साथ जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनसे भी कैसा व्यवहार किया जाता था, फैमिली की तरह। तो हमको सीक्वेंस मिल ही गया, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो जंबल सेंटेंस होते हैं ना गाइस, आपको क्या इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझना है। मैंने बता दिया पहले आपको क्या ढूंढना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो आपको नाउन या देयर से चालू होता है। तो अपना क्या क्या बन गया था सीक्वेंस, बी ए, बी ए डी और सी। हमने क्या बनाया था सीक्वेंस, बी ए डी सी। मैंने बी पहले बताया था, फिर ए, फिर क्या गया था डी, फिर सी। तो आंसर देख लेते हैं एक बार, देखो बी ए, बी ए डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, बी ए डी सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल में ना रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको नीचे चार शब्द दिए गए हैं, चारों में से जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये चार शब्द हैं, चारों में से जिसकी स्पेल्ड गलत है, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको ढूंढना है। तो देखो इन इम्पीच, तो इम्पीच का मीन्स तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मतलब इम्पीच जो स्पेल्ड है ना ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इम्पीच का मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन करना। जब किसी से क्वेश्चन किए जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं इम्पीच, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करना, किसी पे क्या करना, ब्लेम करना, किसी पे बहुत प्रश्न उठाना, उसको बोलते हैं इम्पीच, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये लिखा है इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस का मीन्स तो आपको पता है, प्रभावित करना, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभावित। इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे होते हैं इन्फ्लुएंसर, तो उसी इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ऑडियंस को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्फ्लुएंस तो प्रभावित करना, तो इसकी स्पेल्ड सही है, इसकी स्पेल्ड सही है। और इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस का मीन्स क्या होता है, अज्ञान। इग्नोरेंस का मीन्स क्या होता है गाइस, अज्ञान। इसको जिसको लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की कमी होना, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। तो ये भी बिल्कुल स्पेल्ड सही है। अब स्पेल्ड ये ना ये वाली गलत है, आपको समझ में तो आ गया होगा, थर्ड नंबर की स्पेल्ड गलत है। अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या है। जो लिखा है क्या लिखा है, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मीन्स क्या होता है, खाना बदोश। इसकी हिंदी बता रहा हूँ मैं, इटिनेरेंट का मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, ठीक है ना। मतलब एक जैसे आपको बंजारे, जो बंजारे टाइप के होते हैं उनको कहते हैं इटिनेरेंट। तो इटिनेरेंट की स्पेलिंग क्या होगी, ई टी आई एन ई आर ए एन टी। ये स्पेलिंग सही होती है किसकी, इटिनेरेंट की। तो यहाँ पे ना जो ई है, जो ई है ना, इसकी जगह ए आना है, क्या ना, ई की जगह ए आना है, तो स्पेल सही हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। और ये वाला क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, ये इटिनेरेंट का जो इटिनेरेंट वर्ड मीनिंग से ना आप ऑब्जर्व करना, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये शब्द बार बार रिपीट किया एसएससी ने, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक है, इसमें क्या करना है, आपको चार नीचे अल्टरनेटिव्स हैं, चार हैं वर्ड मीनिंग्स हैं, उसमें से जो अप्रोप्रिएट है उसको फिल करना है। तो बींग अ मिलेनियर, तो बींग अ मिलेनियर का मीन्स क्या होता है गाइस, करोड़पति होकर। मिलेनियर मीन्स क्या था, जो रिच पीपल होते हैं ना, करोड़पति अरबपति। तो वह क्या था, मतलब बींग अ मिलेनियर, मतलब मिलेनियर होने के नाते या मिलेनियर होकर, ही इज़ लीडिंग अ लाइफ। अब वो जीवन जी रहा है, वो कैसा जीवन जी रहा है, कोई मिलेनियर है, कोई करोड़पति अरबपति है, जैसे अम्बानी जी हैं, टाटा जी हैं, तो वो मिलेनियर हैं। अडानी जी हैं, जो अभी अडानी जी अपने नंबर वन रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं ग्वालियर, सॉरी इंडिया के अडानी जी हैं। तो बींग अ मिलेनियर ही इज़ लीडिंग डैश लाइफ। कोई व्यक्ति मिलेनियर होगा, करोड़पति, वो कैसा जीवन जिएगा, लग्जरियस ही जिएगा ना, आलीशान। क्या जिएगा, आलीशान। कोई व्यक्ति करोड़पति होगा तो वो कौन सा जीवन जिएगा भैया, आलीशान। तो लग्जरियस का मीन्स क्या होता है, आलीशान होता है कि नहीं, आलीशान जीवन, लग्जरियस, ठीक है। तो
बींग अ मिलियनियर ही इज़ लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। अब ये क्यों नहीं होगा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होगा महंगा होता है, तो कोई करोड़पति होगा तो महंगा जीवन जिएगा क्या? एक्सपेंसिव तो क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं, होते हैं ना एक्सपेंसिव मोबाइल, ठीक है ना, ये होता है। अब ये डिस्टिट्यूट, तो डिस्टिट्यूट का मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी, डिस्टिट्यूट का मीन्स क्या होता है, दरिद्रता, बोलते हैं ना दरिद्रता, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी, उसका मीन्स होता है डिस्टिट्यूट, तो ये तो होगा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या आता है, कंडेसिव, जो कंड्यूसिव, तो कंड्यूसिव का मीन्स क्या होता है, फेवरेबल, मतलब जो क्या करता है, जो साथ दे, उसको कहते हैं कंड्यूसिव, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा अपना, लग्जरियस। तो बींग अ मिलेनियर, बींग अ मिलेनियर ही इज़ लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करेंगे गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब आपको एक्टिव दिया गया है और आपको क्या बताना है, इसका पैसिव बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, नीचे एक वाक्य है उसका हमें पैसिव बताना है, कोई बात नहीं बता देंगे। देखो डिड द प्रॉब्लम यू, अब आपको याद रखना है जब भी डिड आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट, कौन सा टेंस होता है, जो डिड है ना वो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होता है। और जब किसी सेंटेंस में, जब किसी टेंस की डिड से स्टार्टिंग होती है तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। जब किसी वाक्य की शुरुआत डिड से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो वो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लगाएगी नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव भी क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव से ही चालू होगा। तो डिड में आपको पता ना, डिड का डिड है पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव, डिड में मतलब डिड कब यूज करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में क्या आता है, सबसे पहले वोज या वर, क्या आएगा, वोज या वर, ठीक है, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा, डिड द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स बहुवचन है तो स्टार्टिंग किस होगी, वर, ठीक है ना, पैसिव की स्टार्टिंग की, क्योंकि प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या यू भी ले सकते, तो यू भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर, तो यू, यू हो या प्रॉब्लम्स हो, दोनों के संग वर आएगा, क्योंकि यू को भी बहुवचन मानते हैं, प्रॉब्लम्स को भी बहुवचन मानते हैं, तो वर यू से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3, वर यू डिस्करेज, वर यू डिस्करेज मतलब क्या आपको डिस्करेज किया गया, क्या आपको डिस्करेज किया गया बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस, मतलब किसके द्वारा, परेशानियों के द्वारा जो आपको सहन करनी पड़ी, जो आपको फेस करनी पड़ी, ये इसका आंसर था। तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल पूछता ही है, और बार बार नरेशन का, एक्टिव पैसिव का, एंटोनियम, सिनोनियम्स, जो आपके क्वेश्चन है ना, कितने मार्क्स के आएंगे, 25 मार्क्स के, उसमें से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है ना, नरेशन, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, एंटोनियम्स, फोर्थ वन सिनोनियम्स, स्पेल्ड, ठीक है ना, स्पेल्ड इम्प्रूवमेंट, ये भी आपको देखने हैं। कुछ चीज़ें तो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, बाकी आपको क्या, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं एसएससी सीजीएल के, उनको देखना है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, अब सेम का मीन्स क्या होता है, सिनोनियम्स, जब भी आपको सेंटेंस में सेम दिख जाए तो सेम का मीन्स होता है सिनोनियम्स। तो नीचे एक शब्द दिया गया है, या एक आपको, आपको क्या शब्द दिए गए, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको क्या चूज कर, क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ओ डब्ल्यू एस, आपसे क्या पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, तो इसका मीन्स क्या होता है, कोई ऐसा एक व्यक्ति, कोई ऐसा एक व्यक्ति जो किस में बिजी रहता है, मतलब प्री ऑक्यूपाइड में अपने आप को बिजी रखना, पहले से ही बिजी रखना खुद के इंटरेस्ट में, मतलब ही बोलते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड, तो ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, तो ये तो होगा नहीं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मीन्स क्या होता है, निराशावादी, याद रखना पेसिमिस्ट में हिंदी बता रहा हूँ, पेसिमिस्ट का मीन्स होता है निराशावादी, निराशावादी जो हमेशा निराश रहता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। ऑप्टिमिस्ट इसका अपोजिट होता है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी लिख लेना,
पेसिमिस्ट हो गया निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी, एथिस्ट, तो एथिस्ट का मीन्स क्या होता है आपको पता है? एथिस्ट का मीन्स होता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक व्यक्ति आपने सुने होंगे, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको बोलते हैं एथिस्ट। तो ईगोइस्ट क्या होता है? मतलब जो होते हैं ना घमंडी, अपने आप में डूबे रहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि अपना अपना फ़ायदा चाहते हैं, उनको बोलते हैं ईगोइस्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इज़न्ट इट? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एनालाइज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा ही जाएगा, जैसे पैरा पैरा जंबल जो सेंटेंस जंबल सेंटेंस जब आता है, पैरा जंबल आता है, कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है। तो मैं अभी अपनी वीडियो को रिमूव करता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जो ये पैसेज है ना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिए कम, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है? पैसेज, आपको नीचे एक पैसेज दिया गया है, उसको क्या करना है, अपन को फिल करना है करेक्ट ऑप्शंस के साथ, चार ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। देखो ये आपका पैसेज है, तो पैसेज में ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। तो देखो मिल्टन हर्षी, मिल्टन हर्षी रिटर्न्स टू द विलेज। अब मिल्टन हर्षी आप जानते हो, मिल्टन हर्षी एक व्यक्ति थे जिन्होंने किस कौन सी चीज़ का प्रोड्यूस किया था, हर्षी जो थी ना, हर्षी चॉकलेट, आपको पता है हर्षी एक चॉकलेट आती थी जिसकी स्टार्टिंग किसने की थी, मिस्टर मिल्टन ने, तो उन्हीं के बारे में ये पैसेज है। तो देखो मिल्टन हर्षी रिटर्न टू द विलेज, जो मिल्टन हर्षी थे ना वो कहाँ से लौटे, विलेज से, वेयर ही हैड बीन बोर्न, जहाँ पे वह पैदा हुए थे, मतलब वो वहीं पे लौट गए जहाँ पे वह पैदा हुए थे, इन द हार्ट ऑफ डेरी कंट्री, इन द हार्ट ऑफ डेरी कंट्री, मतलब वो क्या था, जहाँ पे वो पैदा हुए थे ना वापस चले गए, तो वहाँ पे क्या होता था, कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था, डेरी का, ये डेरी होते ना दूध वगैरह, वहाँ पे प्रोडक्शन दूध का ज़्यादा होता था। ही ओपन हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और वहाँ पे जाके जो मिल्टन हर्षी थे उन्होंने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया, किसका, चॉकलेट का, ठीक है ना। अब 1905 मतलब 1905 में, तो मे के लिए इन आता है, जब भी ये पता है ना जब ईयर की बात होती है तो ईयर से पहले प्रीपोजिशन इन आती है, जब भी ईयर हो ना, जैसे 1905 या 1999 2000, तो इन आता है, प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, इन का, किससे पहले, जब ईयर आ जाए, ठीक है। तो क्या आएगा, इन 90, तो इन तो दिया ही है, ठीक है ना, ही आप देखो इसमें क्या इन आएगा, ऑन नहीं आएगा, ऑन तो कम इसका था पर, मतलब किसी के ऊपर, तो ये प्रीपोजिशन नहीं आएगी। एट भी नहीं आएगा, एट का मीन्स भी पर होता है, किसी स्थान पर, ठीक है ना। टू भी नहीं आ, टू का मीन्स होता है को, किसी स्थान को, किसी तरफ जानते हैं ना, किसी तरफ जाते हैं, तो टू का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट जो ब्लैंक था उसको अपन ने फिल कर दिया करेक्ट ऑप्शन के साथ। अब सेकेंड ब्लैंक को देखेंगे, देखिए विथ एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, ठीक है। अब उनने क्या किया, मतलब जो फ्रेश मिल्क थी, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रेश मिल्क थी, ही डैश, अब उनको किसकी ज़रूरत थी, मतलब किसके साथ, विथ एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, अब उसको उनको जो प्रोडक्शन था ना उनका चॉकलेट का फैक्ट्री का, उनको किसकी आवश्यकता थी, मिल्क की, उसको मिल्क, जो मिल्क से ही बनते हैं ना, जो चॉकलेट बनते हैं, तो मिल्क चॉकलेट वो बनाते थे, तो नीडेड, आवश्यकता को क्या कहते हैं, नीडेड, उनको आवश्यकता थी किसकी, मिल्क की, ही नीडेड। अब ये तो बनेगा ना कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मीन्स क्या होता है, मानना, तो ये तो होगा ना, मानना को कोई सेंस नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूटेड तो क्या था, बांटना, तो बांटेंगे तो नहीं, जो अब बनाएंगे वो क्या करेंगे, उनको मिल्क की आवश्यकता हो, किसकी जरूरत थी। अब ये जो है ना, अब जब वो कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ज़रूरत होती है किसकी, कैपिटल की, तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट बांटता तो ही नहीं है, वो क्या करता है, बिजनेस करता है उस चीज़ का। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। अब नीडेड, नीडेड तो मीन्स क्या होता है, गूंदना, जैसे आटा वगैरह गूंदते हैं ना, आटा गूंदना, उसको होते हैं नीड, ठीक है ना। तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट। अब थर्ड ब्लैंक को देखते हैं, अब ये देखो कुछ एडवर्टाइजमेंट है किसकी, SSC CGL की एक कुछ एडवर्टाइजमेंट थी, कोई बात नहीं। अब देखो, अब अपन देखें नेक्स्ट
कौन सा ब्लैंक देखना आपने, फर्स्ट ब्लैंक हो गया इन आ गया, सेकंड ब्लैंक हो गया नीडेड आ गया, ठीक है। अब थर्ड ब्लैंक को देखते हैं, ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, बिगेन ने शुरू कर दिया, जो अब जो मिल्टन हर्सी थे ना उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अच्छा चॉकलेट बनाने, अच्छे चॉकलेट, सबसे अच्छे चॉकलेट बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको मिल्क का मिल चुका था जो उनको जरूरत थी। द प्लांट ओपन्ड इन ए स्मॉल पेनेसिलिनिया विलेज, जो पेनेसिलिनिया विलेज था ना वहाँ पे स्टार्ट था हुआ था प्लांट, ठीक है ना। अब जो प्लांट ओपन, तो प्लांट जो, तो जो के लिए कहता है दैट, यहाँ पे क्या लगना है रिलेटिव एडजेक्टिव, मतलब रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज करना पर को, तो डेट आएगा द प्लांट डेट ओपन, प्लांट जो ओपन हुआ था छोटे से पेनेसिल्वेनिया, जो पेनेसिल्वेनिया स्थान था ना विलेज था वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इज टुडे द, आज वो क्या है चॉकलेट फैक्ट्री, डेट, अब डेट हो गया यहाँ पे। अब जो चॉकलेट फैक्ट्री है इन वर्ल्ड, अब वो चॉकलेट फैक्ट्री क्या हो गई है दुनिया में, देखते देखो लार्जेस्ट द आ गया, तो आपको पता है द आर्टिकल, जब भी द आर्टिकल आता है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, आती है कि नहीं सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है एसटी या ईएसटी आता है, तो देखो एसटी या ईएसटी आएगा तो लार्ज का क्या आएगा लार्जेस्ट, लार्ज एक एडजेक्टिव है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो आज वो क्या है दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है किसकी, चॉकलेट की, तो यहाँ पर आएगा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द कन्फेक्शंस, अब कन्फेक्शंस मीन्स क्या होता है, मतलब जो गोलियाँ जो चॉकलेट्स होते हैं ना उसको कन्फेक्शनर्स बोलते हैं। द कन्फेक्शनर्स क्रिएटेड हेयर आर, जो कन्फेक्शनर यहाँ पे बनाए गए वो क्या है आर, आर क्या है बहुत क्या है फेमस अराउंड द वर्ल्ड, अब जो चॉकलेट बनाए गए नहीं वहाँ पे स्थान पे वो क्या है आज फेमस हैं, तो देखो ये होगा फेवरेट्स, ठीक है फेवरेट्स हैं, ठीक है। तो ये था अपना कंपेरिहेंसन का क्वेश्चन, मतलब अनसिन पेसेज होता है ना जैसे पेसेज का क्वेश्चन था ये, तो मैं रिटर्न आता हूँ अपनी वीडियो के साथ, तो आगे अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं गाइस, ओके लुक एट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये भी फिलर का है, मतलब आपको क्या करना है सबसे बेस्ट ऑप्शन बताना है जो ब्लैंक में रखना है आपको। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो 5 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, जो 5 साल के अंदर होते हैं ना अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक, मतलब बायोमेट्रिक का मीन्स क्या होता है जो जो अप्रूवल होता है ना थंब के द्वारा, जो थंब के द्वारा जैसे अपन अपन कुछ भी अप्रूवल कराते हैं थंब के द्वारा उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स आर, अब अलाउ तो होगा नहीं, ठीक है ना, अनुमति देना, अब इसमें एस्केप क्या होता है भाग जाना, इसका मीन्स क्या होता है अनुमति, क्या होता है गाइस अनुमति, ठीक है ये आएगा नहीं, और एस्केप का मीन्स क्या होता है 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, भाग जाना लिख लेना, ठीक है ना गाइस। मैं बोल भी रहा हूँ, शायद आपको हिंदी में दिक्कत आ रही हो आपको समझने में, बोल भी रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है एक्विटेड, तो एक्विटेड मीन्स क्या होता है बरी कर देना, किसी को किसी के गुनाहों से बरी कर देते ना उसको बोलते हैं एक्विटेड, लिख लेना आप एक्विटेड, जैसे मिस्टर संजय दत्त हैं अब उनको क्या कर दिया गया है एक्विटेड कर दिया गया, मतलब जो भी उनके आरोप थे ना जो भी आर्म कीपिंग के, मतलब जो भी रखने के आरोप थे, जो भी उनके ऊपर जो भी ब्लेम किया गया था अब वो क्या हो गए एक्विटेड हो गए कोर्ट की साइड से, पता है मतलब किसी को क्या देना मतलब माफ़ कर देना, एग्जम्प्टेड का मीन्स क्या होता है माफ़ करना मतलब रियायत देना, किसी को क्या कर देना रियायत देना, मतलब जो देते हैं डिस्काउंट या बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। तो चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक, जो 5 साल के अंदर के बच्चे होते हैं ना उनका क्या नहीं होता पासपोर्ट के लिए कोई भी वो नहीं होता, उसकी बायोमेट्रिक नहीं होती उनकी, मतलब उनको वेरीफाइड नहीं करना है, वो फ्री में जा सकते हैं, मतलब उनको क्या माफ़ किया गया किस इस चीज़ से, तो क्या ना एग्जम्प्टेड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने एनालाइज करते हैं गाइस, सिलेक्ट द इनकरेक्ट
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो आपको बताना है भैया, चार आपको वर्ड मीनिंग्स दी गई है, उसमें से गलत बताना है. ये लिखा है डीटर, तो डीटर तो बिल्कुल सही है. अब डीटर का मीन्स क्या होता है, रोकना. क्या होता है, रोकना. हिंदी लिख लेना, जो डीटर लिखा है ना गाइस, इसका मीन्स क्या होता है, रोकना. और डिलीवर की स्पेलिंग गलत है, डी ई आता है, डी ई एल आई बी ई आर, ये स्पेल्ड होती है डिलीवर की, तो ये गलत थी. ठीक है ना, तो अपन ने गलत मीनिंग्स ढूंढ ली. तो डिलीवर का मीन्स क्या होता है, कुछ भेजना, डिलीवरी करते ना, डिलीवर. डिसीजन तो आपको पता ही होगा, लेना है. ठीक है, डिनाइल, डिनाइल का मीन्स क्या होता है, मना करना. जो डिनाय होता है, डिनाय एक वर्ब है, तो उसका एडजेक्टिव बनता है डिनाय. उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, डिनाय. नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइस. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर. आपको एक नीचे वाक्य दिया गया है और आपको क्या करना है, उस वाक्य को बताना है, उस वाक्य में ग्रामर की गलती क्या है, जो ग्रामर है ना उसकी गलती ढूंढनी है. तो आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. मतलब मैं विश्वास कर रहा हूँ, मुझे विश्वास हो रहा है कि भैया आप सबमिट कर चुके हो सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स. तो आपको याद रखना है, जो बिलीव है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब होती है. बिलीव क्या है, स्टेटिव वर्ब. क्या होते हैं इसको, स्टेटिव वर्ब. ठीक है ना, तो स्टेटिव वर्ब्स होती है ना गाइस, वो किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में. आपको याद रखना है, जैसे बिलीव हुआ, कंसीडर हुआ, ठीक है ना, कंसीडर हुआ, सी हुआ, ये सब क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं. तो स्टेटिव वर्ब्स को रखते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. तो ये स्टेटिव वर्ब्स किस में, कंटिन्यूस में, तो गलत हो रहा है. समझ आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, आई एम बिलीविंग, इसका ये होना चाहिए था आई बिलीव, ये होना चाहिए था. तो आई एम बिलीविंग ये गलत सेगमेंट है, ये वाला पार्ट ये गलत है. ठीक है ना, स्टेटिव वर्ब्स आपको पता होगा, जैसे अपने सेंस ऑर्गेन्स होते हैं ना, सब जो भी सेंस ऑर्गेन्स से जो भी वर्ब्स बनती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं. जैसे हेयर, सुनना, सी, देखना, ठीक है ना, स्मेल, सुनना होता है ना, तो ये सब क्या होती है, जैसे टेस्ट, चखना, ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स है. तो स्टेटिव वर्ब्स को किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट. तो यहाँ पे क्या, आई एम बिलीविंग की जगह आना था आई बिलीव. तो देखो ये आ गया ना, देखो आई एम बिलीविंग गलत है. क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन आ चुके हैं. ओ गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा. देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. नीचे आपको एक सेगमेंट दिया है, मतलब एक वर्ड, एक हिस्सा दिया है, उसमें आपको बताना है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए. देखो ये लिखा है, तो योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी. मतलब जो आपकी एडवाइस है ना, वो मुझे फ़ायदा देगी, आपकी एडवाइस मुझे फ़ायदा देगी. तो बेनिफिट के संग कभी टू नहीं आता, जब आपको बेनिफिट दिख जाए. ठीक है ना, बेनिफिट एज अ वर्ब यूज करते हैं, तो इसके संग टू कोई भी नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, बेनिफिट के संग कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती. आपको याद रखना है, इस शब्द के संग आपको कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना, ना ही टू लगाना है, ना ही ऑन लगाना है, ना ही ऑफ लगाना है, ना ही इन लगाना है, ना ही एट लगाना है. क्योंकि ये कौन सी वर्ब से, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ट्रांजिटिव वर्ब के संग कोई भी प्रपोजिशन फॉलो नहीं होती, कुछ भी नहीं रखते. तो ये वाला सेगमेंट गलत है. क्या होना चाहिए था, बेनिफिट मी. ठीक है, तो योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, नॉट टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ गए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स. अब आपको यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, ठीक है ना, तो मुहावरे का सही मतलब बताना है. ब्रिंग टू लाइट, तो ब्रिंग टू लाइट का मीन्स क्या होता है गाइस, सब कुछ रोशनी में आ जाना, सब कुछ रोशनी में ले आना. ब्रिंग मीन्स लाना, लाइट मीन्स रोशनी, तो सब कुछ रोशनी में ले आने को क्या बोलते हैं, रिवील क्लियरली. रिवील मीन्स उजागर करना, क्लियरली मीन्स साफ साफ, तो इसका मीन्स ये होगा ब्रिंग टू लाइट. ब्रिंग टू लाइट का मीन्स क्या हो गया गाइस, रिवील क्लियरली. तो रिवील मीन्स उजागर करना, क्लियरली मीन्स साफ साफ. अब ये चीयर संबंध तो आगे नहीं, चीयर संबंध का मीन्स क्या था, मजे करना किसी के साथ, ये नहीं होगा. अब ये क्या था, ब्राइटन अप, ब्राइटन मीन्स रोशनी करना, ये भी नहीं आएगा. ठीक है ना, प्रेस इन पब्लिक, प्रेस इन पब्लिक का मीन्स क्या होता है, पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना,
ये भी नहीं आ रहा। तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गाइज आपको जितने भी इंग्लिश के एसएससी के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, उनको अच्छे से स्टडी कर लेना आप। जैसे आपको पता है ना, 20,000 मोर देन 20,000 वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल की। तो आपको आपका 100% देना है, ठीक है ना। वी हैव टू डू आवर डीड्स रेस्ट अप टू द गॉड। हमें अपना कर्म करना है अच्छे से और परिणाम ईश्वर पे छोड़ देना है, ठीक है ना, मालिक पे परिणाम छोड़ देना। तो आप कोशिश करना है, ठीक है। देखो, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। सेम क्वेश्चन है, तो आपको सेंटेंस से आपको बताना है इसमें क्या गलती है। इस सेंटेंस से लगाए इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है गलती। नो सुनर, तो नो सुनर तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नो सुनर डिड वी रिसीव योर मैसेज। जैसे ही हमें आपका मैसेज मिला ही नहीं, व्हेन वी हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हमें क्या महसूस हुआ, एक आनंद, आराम आ गया। मतलब जैसे कोई किसी के साथ कुछ गलत हो रहा था, बट जैसे ही हमें मैसेज मिला कि कुछ गलत नहीं हुआ है, तो हमें क्या मिल गया, बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया, ये बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, नो सुनर के संग हमेशा क्या आता है, नो सुनर एक कंपेरेटिव डिग्री की तरह भी काम करता है। ई लगा है ER, तो आपको पता ना, जब भी किसी शब्द में ER लग जाता है तो वो क्या बनाता है, कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री के संग हमेशा देन आता है कि नहीं। जब भी अपन कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, आपको पता है 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपेरेटिव डिग्री से देन आता है, और यहाँ पर क्या लगा है, वेन, जो कि गलत है। तो वेन की जगह यहाँ पे क्या होना था, देन। तो ये वाला सेगमेंट गलत है। देखो आंसर शायद ये होगा, जो लिखा है वेन वी हीव्ड, तो वेन वी हीव्ड की जगह क्या होना चाहिए था, देन वी हीव्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं अपन, ठीक है, देख लेते हैं 18 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। फिर से आपको इडम्स दिया गया है, ऊपर था एक इडम, नीचे एक और एकदम, मतलब इडम्स मुहावरे के क्वेश्चन बहुत देता है SSC। होल्ड वाटर, तो देखो होल्ड वाटर का मीन्स क्या था, सही चीज़, जो अच्छी चीज़ है, वैलिड। अब होल्ड वाटर मीन्स क्या, आप कौन सा पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे होल्ड मीन्स रोकना, वाटर मीन्स पानी। तो आपको मैं सेंस वाइज बता रहा हूँ, होल्ड मीन्स जैसे अपन जैसे पानी, अपन पानी जो पीते हैं, तो वैलिड पानी रखते हैं ना, जो जो बेकार होता है उसको फैला देते हैं कि नहीं, जो अपना पीने का पानी होता है, जिसे अपन पानी स्टोर करते हैं, पानी भरते हैं सुबह, तो साफ पानी रखते हैं ना, साफ मीन्स वैलिड, जो सही होता है। तो टू बी वैलिड, मतलब मैं आपको एक लिंक करके बता रहा हूँ, जो ये ना फ्रेज, ये जो इडम से होल्ड वाटर, तो होल्ड वाटर का मीन्स कहता है टू बी वैलिड, जो मतलब जो सही चीज़ हो। तो होल्ड वाटर पानी कौन सा रुका, जो अपन रखते हैं अपने पास पीने का, जो रुका हुआ है, जो अपन स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। अब इसका मीन्स क्या है, टू बी फिकल क्या होता है, मतलब जो जिसका माइंड डाइवर्ट होता है, टू बी फिकल बोलते हैं, ठीक है। टू बी बिजी, तो जो क्या होता है, बिजी होता है तो पता ही होगा। टू बी डीप, तो गहराई में। तो व्हाट इज़ द आंसर, टू बी वैलिड। तो कुछ चीज़ें होती है ना, तो वो सेंस से समझना आवश्यक है। कुछ चीज़ें किस पर डिपेंड होते हैं, सेंस पर भी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब आपको नीचे एक शब्द दिया गया, इसका बिल्कुल सही सिनोनियम्स बताना है, मतलब सिनोनियम्स में समानार्थी, ये बताना है। सोलेट्री का मीन्स होता है अकेला, क्या मीन्स होता है, अकेला। सोलेट्री का मीन्स क्या होता है, अकेला, ठीक है ना। तो अकेले को क्या कहते हैं, सिंगुलर बोलते कि नहीं, सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट आपने सुने होंगे, तो सिंगुलर मीन्स भी अकेला, सोलेट्री मीन्स भी अकेला, तो इसका सिनोनियम्स हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ, जैसे आप क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन का मीन्स भी क्या था, सिंगुलर। जैसे किसी को क्वारंटाइन किया था, अभी कोविड आया था, तो कोविड में क्वारंटाइन किया गया था लोगों को, उसका मीन्स भी एक ही होता है, अकेले, जिसको अकेला रखते हैं। अब ये तो होगा नहीं सेंसिबल, तो सेंसिबल का तो मीन्स क्या था, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होते हैं उनको सेंसिबल बोलते हैं। और स्प्लेंडिड का मीन्स क्या था, बहुत बढ़िया, स्प्लेंडिड भी नहीं होगा, वो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है। और मैं हर एक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हुए ना इंग्लिश के, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सारी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखी हैं SSC CGL की, ठीक है ना।
ना, ईयर वाइज सभी की करिए, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। मतलब एनी हाउ आपको क्या करना है, सब कुछ आना चाहिए, चाहे मेरी देखो या किसी और की वीडियो देखो, नो मैटर, ठीक है ना। यू शुड बी बेनिफिशियल, मतलब आपको बेनिफिट होना चाहिए। अब देखो, द लॉयर सेड टू मी, मतलब जो वकील था उसने मुझसे कहा, अब क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ये आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द लॉयर सेड टू मी देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ यूअर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, मतलब लॉयर ने मुझे बोला, मतलब जो वकील था उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं है जिससे ये पता चले कि भैया आप इस केस में इन्वॉल्व थे, मतलब लॉयर ने उनके फेवर में चीज़ बोली किसी के। तो द लॉयर सेड टू मी किस में बताता, टोल्ड मी, ये तो बात फिक्स्ड हो गई। जब डायरेक्ट में सेड टू आता है तो टोल्ड में बदलता है, इनडायरेक्ट टोल्ड में बदलता है। अब ये इस किस में बदलता है, जो इस लिखा है इस बदलता है वोज में। तो दो चीज़ें देखनी है अपन को, टोल्ड देखना है और वोज देखना है, किस में, इनडायरेक्ट में। तो देखो, द लॉयर टोल्ड मी दिख गया, दैट देयर वोज, और वोज भी दिख गया, ये दिख गया कि नहीं, वोज दोनों दिख गए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस, हो गया कि नहीं गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 को भी एनालाइज कर लेते हैं गाइज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटो बताना है, ठीक है ना, मतलब आपको विलोम शब्द बताना है, किसका, ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप का मीन्स होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप का मीन्स कहता है दोस्ती, तो दोस्ती का, एमएटी का मीन्स भी दोस्ती होता है, ठीक है ना, एमएटी का मीन्स भी क्या होता है, तो ये तो, ये क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए, ये तो सिनोनियम्स, तो अपन को क्या बताना है, एंटो बताना है, क्या बताना है, एंटो। अब स्लेवरी का मीन्स कहता है गुलामी, तो गुलामी तो होगा नहीं, ठीक है ना, दोस्ती का उल्टा क्या होगा, दुश्मनी, तो दुश्मनी, एनिमिटी को कहते हैं दुश्मनी, एनिमिटी क्या होता है, दुश्मनी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब एरोगेंस क्या होता है, एरोगेंस तो होता है अज्ञान, होता है ना, अज्ञान, लेक ऑफ नॉलेज, फिर से एरोगेंस आ गया, ठीक है। और एरोगेंस वो भी होता है घमंड, घमंड होता है ना, घमंडी व्यक्तियों को अज्ञान होता है, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे अपन आ रहे हैं। तो क्या करना है, गिवन, फिर से जंबल सेंटेंस है, तो देखो दो दो जंबल सेंटेंस दिए एक ही पेपर में, तो जंबल सेंटेंस किस पे डिपेंड होते हैं, अपन को सबसे पहले क्या देखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहला क्वेश्चन ही क्या था, जंबल सेंटेंस। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँचे होगे तो पहले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न थी जंबल, तो फिर से जंबल आ गया। अब जंबल में क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढते हैं, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से होती है, नाउन से या देयर से, तो उसको सबसे पहले रखते हैं कि नहीं, मतलब जंबल सेंटेंस में। तो देखते हैं, देखो मैं बताऊँ, ई वन तो क्या आगा नहीं, ई वन तो कोई नाउन नहीं है, दस भी क्या है, दस नहीं आगा, ये तो क्या कोज बताता है, दस क्या बताता है, कारण बताने वाली चीज़ है, तो ये नहीं आगा, ठीक है ना, ई वन भी नहीं आगा, दस भी नहीं आगा, बट भी नहीं आगा, बट भी क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, नहीं बट किंतु मगर परंतु, ये भी नहीं आगा। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे द क्यूरी, क्यूरी से एक नाम है, क्यूरी क्या है, मैडम क्यूरी, आपने सुना होगा, उन्हीं के ऊपर है द क्यूरी। तो यहाँ से अपना पहला जो ऑप्शन है, पहला जो सेगमेंट है, पहला सेंटेंस डी से चालू होगा, द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो क्यूरी थी ना उनको कहाँ पर काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गरीबी में, जो क्यूरी थी ना, पहला सेंटेंस किससे चालू हुआ अपन का, अपना डी से चालू हुआ, ये तो पता चल गया, द क्यूरी, ठीक है ना, द क्यूरी हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा गरीबी में, जो मैडम क्यूरी थी ना उनको किस कहाँ पर काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में, इवन देखो इतनी पॉवर्टी थी, इवन द मोस्ट इल एक्यूपाइड, इवन द मोस्ट इल एक्यूपाइड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड, मतलब जहाँ पे क्यूरी रहती थी ना वो क्या था, इतना बेकार था, जो वहाँ पे वो जो काम करती थी, बेड इल एक्यूपाइड मीन्स जो लेबोरेटरी में जिसमें काम करती थी ना क्यूरी, उससे भी बेकार तो उनका घर भी था, तो इतना मतलब ये जो वर्किंग प्लेस भी उनका बहुत बेकार था जहाँ पे काम करती थी, और उससे बेकार उनका घर था जहाँ पे वो रहती थी, ठीक है। तो अपनी डी और ए की कॉम्बिनेशन बन रही है, डी ए, बट देयर माइंड अब देखो सी आया, मगर डी ए सी, बट देयर माइंड वॉज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, मगर उनका माइंड क्या था, क्यूरी थी ना मैडम क्यूरी, उनके जो हस्बैंड थे
दो जने थे, क्यूरी और उनके हस्बैंड। उनका माइंड कैसा था? वो सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, मतलब वो तैयार था किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ रेडियम की खोज के लिए। फिर क्या आएगा? दस दे डिड नॉट अलाउ एनी वॉट दे डिड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टी टू कम इन देयर वे। तो सीधे सीधे अपने मैंने कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गई। पहला आएगा अपना डी, पहले डी ऑप्शन आ गया, एक मिनट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पे डी आएगा, देखो पहले पे डी आएगा अपना, डी आ गया, डी के बाद मेरे क्या होता था ए, डी ए आएगा, डी ए उसके बाद क्या आएगा अपना बी, नहीं सॉरी डी ए सी बी, डी ए सी बी, देखते हैं आंसर है क्या। डी ए सी बी करेक्ट आंसर, डी ए सी बी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट। फिर से आपको एक ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, जो ये सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या गलती ये बताना है। वेयर यू लेफ्ट जो है ना, जो वेयर यू लेफ्ट सेगमेंट है उसमें आपको गलती बतानी है। योर बैग बैग यस्टरडे, तो इसमें ये बोला जा रहा है भैया आपने कल अपनी बैग कहाँ पर छोड़ दी, कल आपसे आपकी बैग कहाँ पर छूट गई है बोला जा रहा है। तो वेयर के बाद हमेशा डेड आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। वेयर डिड फिर यू आता है कि नहीं। वेयर डिड यू फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी लीव, लिव क्या आएगा, वेयर डिड यू लिव ये होना चाहिए। वेयर डिड यू लिव आ गया कि नहीं, तो अपना आंसर सही बन गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेंगे आज जल्दी से, अब दो क्वेश्चन लेफ्ट हैं बस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो बताना है ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूरी। तो फ्यूरी बार बार एसएससी पूछता है। फ्यूरी का मीन्स क्या होता है? गुस्से, गुस्सा। फ्यूरी का मीन्स क्या होता है? फास्ट एंड फ्यूरियस, मूवी थी अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो सीधे सीधे फ्यूरी का क्या हो जाएगा सिनोनियम्स? एंगर, मेरा ही आंसर है। अब रिस्क तो मीन्स क्या होता है? रिस्क लेना, जोखिम, ये तो होगा नहीं। सिन क्या होता है? पाप। सिन का मतलब लिख लेना नहीं पता तो पाप। और क्राइम क्या होता है? गुनाह। क्राइम क्या होता है गाइस? गुनाह। तो सबका मीन्स आप लिख लेना। रिस्क का मीन्स मैंने बताई दिया, जोखिम। तो जल्दी से आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। अब सेम का मीन्स क्या होता है? सिनोनियम्स। क्या बताना है? सिनोनियम्स। अ ग्रामेटिकल फिगर विथ 8 साइड्स, सॉरी अ जियोमेट्रिकल, मैंने ग्रामेटिकल बोल दिया सॉरी, और दिस अ जियोमेट्रिकल। अब ये सॉरी क्वेश्चन पूछा गया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अ जियोमेट्रिकल फिगर्स विथ 8 साइड्स, मतलब आपको बताना है ऐसा फिगर जिसकी साइड कितनी होती है? 8। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया ऑक्टोगोन। तो ऑक्टोगोन की 8 साइड्स होती हैं, जो ऑक्टोगोन होता है ना, ऑक्टोगोन बनाते हैं उसकी जो साइड्स होती हैं 8 होती हैं। ठीक है ना, अब ये बता दो, ये पेंटोगोन होता है इसकी 5 होती हैं, कितनी होती हैं? 5। और जो अपना ये होता है हेक्सागोन, इसकी होती हैं 6, और इसकी होती हैं हेक्टागोन की 7। तो मैंने सभी साइड बता दी, मतलब किसकी जो फिगर बनाते हैं ना अपन, फिगर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने बता दी ऑक्टोगोन की हो गई अपनी 8, ठीक है ना, और पेंटोगोन की हो गई 5, और हेक्सागोन की हो गई 6, और हेप्टोगोन की हो गई 7, ये आंसर था। तो ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये 25 क्वेश्चन अपने ओवर होते हैं। ओके गाइस, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो सो काइंड ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अच्छे से स्टडी करना है, सभी प्रीवियस सेट को आप अच्छे से करना है। एग्ज़ाम्स हॉल में जाने से पहले आपको सभी जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी एसएससी में आता है, सभी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको देखने हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बार बार पूछता है और उसी से रिलेटेड पूछता है। अगर सेम नहीं पूछेगा तो रिलेशन उसी में आएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।